नमस्ते है जी, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम लक्ष्मी पोटली की चर्चा करेंगे। दिवाली का समय आ गया है, बहुत सारे हीलर्स को लक्ष्मी पोटली चाहिए होता है, अपने लिए, अपनों के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए। तो लक्ष्मी पोटली बनाने आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप लक्ष्मी पोटली कहीं से ख़रीदें या कहीं से आपको लेना पड़े। आप हीलर्स हैं, आप भी बना सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को लक्ष्मी पोटली बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि लक्ष्मी पोटली बनाना किसी हीलर के लिए तो थोड़ा कठिन ही सही, लेकिन हीलर हैं तो आना तो चाहिए। तो लक्ष्मी पोटली में क्या क्या चीज़ें होती है, मैं लाइव आप लोगों को क्लियर अच्छे से समझाऊंगा। कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ होनी हैं, कौन कौन से रत्न होने हैं, कौन कौन से धातु होने हैं, कितनी मात्रा होनी है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन एकदम क्लियर रहेगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, शांति से पेशेंसफुली देखना। धैर्यवान की विद्यार्थी हो तो धैर्य रखना। लक्ष्मी माता को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सी चीज़ें होती हैं, किसी भी स्त्री को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सी चीज़ें होती हैं, उनके मायके से जुड़ा हुआ सामान। लक्ष्मी माता का मायका कौन सा है, समुद्र। समुद्र से जन्मी है माँ लक्ष्मी, तो माता लक्ष्मी के समुद्र से जुड़े हुए कुछ रत्न हैं जो माता लक्ष्मी को हम भेंट करते हैं। लक्ष्मी माता को सबसे ज़्यादा प्रिय है कौड़ी। एक समय में कौड़ी ही मुद्रा की तरह यूज़ हुआ करता था। बोलते सुने हो ना आपने, दो कौड़ी का इंसान, ये दो कौड़ी की चीज़ नहीं, चार कौड़ी का। तो ये सारी चीज़ें क्यों आई, क्योंकि ये कौड़ी को मुद्रा की तरह, धन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है कौड़ी। तो सफ़ेद कौड़ी, काली कौड़ी और पीली कौड़ी, इन तीनों कौड़ियों में पीली कौड़ी सबसे ज़्यादा प्रिय है माँ लक्ष्मी को। तो ये कौड़ी लक्ष्मी पोटली में डलेगी 5-5 के अनुपात में, 5 ही होगा ये, ठीक है, 5 के अनुपात में हम इन कौड़ियों को डालते हैं। और इसके बाद आता है शंख। शंख माँ लक्ष्मी का भाई है। यही माँ लक्ष्मी जब आई थी तो भगवान विष्णु के लिए, जब शादी हो, भगवान नारायण से उनकी शादी हुई थी, माँ नारायण को उन्होंने अपने भाई को भेंट किया था। तो माँ नारायण ने उन्हें वरदान दिया था कि मैं हमेशा अपने लेफ्ट हैंड में शंख को रखूँगा, मतलब अपने साले को रखूँगा। कहानियों में ऐसा ही है। तो माँ लक्ष्मी का भाई है शंख, और उसमें भी उन्हें सबसे अति प्रिय है उनका छोटा भाई, जिसे कहते हैं मोती शंख। तो मोती शंख हम लक्ष्मी की पोटली में डालते हैं, ये सब उन्हें प्रिय हैं। तो ये सारी प्रिय चीज़ों को जब हम लक्ष्मी पोटली में रखते हैं तो माता लक्ष्मी को हम आकर्षित कर पाते हैं। तो तीन तीन मोती शंख हम लक्ष्मी पोटली में डालते हैं। मात्राओं को हमेशा ध्यान रखना, कितना कितनी मात्रा में डालना है, ठीक है। इसके बाद आता है गोमती चक्र, सुदर्शन चक्र का प्रतीक, भगवान विष्णु नारायण का सुदर्शन चक्र, भगवान माँ लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है गोमती चक्र। तो माँ लक्ष्मी को यह भी बहुत प्रिय है, और ये भी समुद्र से ही आता है, समुद्र का ही रत्न है। और एक और रत्न, गोमती चक्र भी 5 की मात्रा में ही होगा, और एक रत्न और है समुद्र की झाग, समुद्र की फिन। ये बड़ा छोटा कैसे भी आ सकता है, इसको तोड़ के आप 3 हिस्सों में तोड़ लीजिए और 3 की मात्रा में इसे लक्ष्मी पोटली में हम डालेंगे, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, समुद्र के रत्न तो हो गए, अब कुछ ऐसे यज्ञ जड़ी बूटी है, यज्ञ आहुति में डालने वाली जो जड़ी बूटियां हैं, जो हम माता लक्ष्मी को जब कोई सिद्ध कर रहा होता है, जब उसकी सिद्धियों को हम प्राप्त करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी के कई सारे मंत्र को या बीज मंत्र को जब हम सिद्ध कर रहे होते हैं, तो यज्ञ आहुतियाँ होती है। तो उसमें डलने वाली कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो उसे भी हम लक्ष्मी पोटली में रखते हैं। उसकी मात्रा भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला जो है हल्दी, पीली हल्दी 3 पीली हल्दी आप रखेंगे। फिर रखेंगे काली हल्दी, ये सिर्फ एक ही रखना होता है। उसके बाद आता है जटामासी, ये भी एक ही की मात्रा में रखना है। तो पीली हल्दी 3, काली हल्दी 1 और जटामासी 1, ये होगी मात्रा। देन हम आएंगे नारियल, एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक आँख होती है। ये आपको सब आयुर्वेदिक स्टोर में या पूजन स्थल के स्टोर में मिल जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एकाक्षी नारियल, फिर
ये एक ही डालेंगे माँ लक्ष्मी की पोटली में, और उसके बाद एकाक्षी नारियल के बाद लघु नारियल, ये दो की संख्या में डालेंगे हम लक्ष्मी पोटली में, लघु नारियल मिल जाता है। फिर 5 इलायची दाने साबुत, बहुत ही अच्छे वाले, जितना ताज़ा और सीधा सीधा वाला जो इलायची दाने हैं वो आपको रखने हैं माँ लक्ष्मी की पोटली में। और आगे हम बढ़ेंगे स्त्री लौंग, मतलब कि नॉर्मल लौंग नहीं, ये थोड़ा सा दुर्लभ होता है, लौंग के गुच्छे में से छांट के अलग करते हैं स्त्री लौंग। देखने में आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्त्री लौंग कैसा होता है गूगल सर्च करने से। इसमें इसकी जो धारियाँ होती है सॉफ्ट होती है, तीखी नहीं होती। इसके बाद आता है गुंजा, ये एक गुंजा पेड़ का बीज है, ये बीज माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो सफेद गुंजा, काली गुंजा, लाल गुंजा, ये तीनों गुंजा 11-11 की मात्रा में हम लक्ष्मी पोटली में डालेंगे। लौंग भी 5 की मात्रा में होगा, इलायची भी 5 की ही मात्रा में होगा, जैसा कि मैंने बताया। और हम आगे बढ़ते हैं यज्ञ आहुति के जो जड़ी बूटियाँ, उसमें दालचीनी 2 की मात्रा में, सतावरी 2 की मात्रा में, और साथ में होगा बिल्वगिरी। बेल का एक फल होता है बिल्वगिरी, उसको इस तरह से खुले में नहीं रखते, खुले में नहीं दिखाते, तो इसका फ़ोटो आप देख लीजिए। इसको सीधे छुपा के ही रखना होता है, छुपा के ही लक्ष्मी पोटली में डालना होता है। इसके बाद कमलगट्टा, कमलगट्टा माँ लक्ष्मी का जो आसन है, कमल, कमलगट्टा कमल के बीज को कहते हैं। तो ये है कमलगट्टा जो कि 5 की मात्रा में होगा। फिर आएगा इंद्रजौ, जौ ये होगा 51 इंद्रजौ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये शब्द सुनने में अजीब लग रहा है, सर्च करेंगे तो आसानी से मिलता है गूगल में, इंद्रजौ 51 की मात्रा में। फिर आएगा 7 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी रुद्राक्ष माँ लक्ष्मी के पोटली में होना चाहिए। भगवान रुद्र का अक्ष माँ लक्ष्मी को प्रिय है, माँ लक्ष्मी आराधना करती हैं भगवान शिव का, तो वो रुद्र के अक्ष को अपने साथ रखना पसंद करती है, तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रुद्र के अक्ष को हम रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं रत्नों में, माँ लक्ष्मी धन की देवी है तो उनको रत्न आभूषण ये हम ऑफर करते हैं। तो हमारे पास ये रत्न है, अब क्योंकि डायमंड बहुत महंगा होता है तो, और पिंक कलर का डायमंड मिलता भी नहीं, तो ये अमेरिकन डायमंड है, पिंक अमेरिकन डायमंड को हम रखते हैं लक्ष्मी पोटली में। मोती रखते हैं, और रखते हैं पारद गोटी, ये है पारद गोटी, इन तीन रत्नों को हम माँ लक्ष्मी की पोटली में रखते हैं, ये रत्न बहुत आवश्यक है। और हम रखते हैं चांदी का सिक्का, हो सके तो इसमें माँ लक्ष्मी का यंत्र बनाओ, ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, रजत होना बहुत ज़रूरी है, चांदी। और एक नॉर्मल सिक्का, नॉर्मल सिक्का जो मुद्रा जो आपके अभी के समय में काम कर रही है, चल रही है, ये सिक्का रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गए रत्न पूरे। एक और रत्न होता है मुद्रा की तरह काम करता है, जो कि हिमस्टोन, हिम रत्न जिसे कहते हैं। ये रत्न को भी हम खुले में नहीं रखते हैं, इसका फ़ोटो आप देख लीजिए, इसे भी छुपा कर रखा जाता है और सीधा लक्ष्मी पोटली में छुपा कर डाल दिया जाता है, बाद में उसकी पूजा या हीलिंग होती है। तो इस प्रकार से रत्न पूरे हुए हमारे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं माँ लक्ष्मी के श्रृंगार में। अभी बहुत कुछ बचा है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, डिटेल है। माँ लक्ष्मी के श्रृंगार में हम देते हैं अबीर, सफ़ेद रंग का ये चंदन जैसा ही होता है। फिर हम देते हैं रक्त चंदन, ये रक्त चंदन को बहुत ध्यान से यूज़ करना है। ये रक्त चंदन जनरली कहीं भी मिल जाता है, लेकिन सबसे अच्छा रक्त चंदन जो है, जो माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, मीनाक्षी टेम्पल में जो रक्त चंदन मिलता है, मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु मदुराई में है, माँ लक्ष्मी को चढ़ने वाला ये रक्त चंदन ही इस्तेमाल करें। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि ये रक्त चंदन इस्तेमाल करें, बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है माँ लक्ष्मी को। और गुलाल, ये तो आप कहीं का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल मिल जाता है आराम से, रक्त चंदन वहीं का हो सबसे अच्छा हो। श्रृंगार हो गया, अब माँ लक्ष्मी को भोग में क्या देते हैं, खाने के लिए क्या देते हैं, तो वो ऑफ़र क्या करते हैं देखिएगा। इसमें सबसे जो माँ लक्ष्मी को प्रिय है वो है सरसों, पीला सरसों,
पीला सरसों, अलग है नया है मामला। पहला है पीला सरसों जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, 108 दाने पीले सरसों के आप रखेंगे और साथ में धनिया, धन या धन का इस चीज़ का नाम ही माँ लक्ष्मी के द्वारा दिया गया, माँ लक्ष्मी के द्वारा पड़ा है नाम धनिया, माँ लक्ष्मी के नाम से ही है ये धनिया। तो धनिया रखेंगे हम 51, साथ में हम रखेंगे मखाना, मखाना भी कमल के फूलों से ही यही से ही बनाया जाता है, तो मखाना जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होगा 5 की संख्या में रखेंगे। और मुर्रा जो कि धान से बनता है ये होगा 11 मुर्रा। संख्या को याद रखना, संख्या लिख रहे हैं नोट कर लेना, 11 मुर्रा। हम लक्ष्मी पोटली के सामग्री के आखिरी स्टेज में पहुंच गए हैं, श्री यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र, ये लक्ष्मी पोटली में ज़रूर से डलेगा। श्री यंत्र महालक्ष्मी यंत्र को ध्यान से किसी जानकार से दिखवा के लेना, क्योंकि जरली सब मशीन से बना होता है तो सारी रेखाएं पूरी होती नहीं है, पूरी हुई है या नहीं हुई आपको समझ में नहीं आता, तो ज्योमेट्रिकली वो अगर सही से नहीं बनाए तो वो किसी काम का नहीं, तो किसी विशेषज्ञ से दिखाकर ही आप श्री यंत्र या लक्ष्मी यंत्र को लें, या अगर आप विशेषज्ञ आप सीख गए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ में होगा चांदी का, माता लक्ष्मी और गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ, ये होगा ही होगा लक्ष्मी यंत्र में, लक्ष्मी पोटली में। तो ये हो गया जो हम लक्ष्मी पोटली में डालते हैं। और इसके बाद सबसे आखिर में होगा कपूर, कौन सा कपूर बोलेंगे इसको जल्दी बताओ, भीमसेनी कपूर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अकेले नहीं देख रहे हो इस वीडियो को, यहाँ बैठ के हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस चीज़ को एक साथ सीख रहे हैं, मैं सिखा इनको रहा हूँ लेकिन बना आप लोग के लिए रहा हूँ वीडियो। तो भीमसेनी कपूर जो आपको मिलता है पूजन दुकानों में, तो बोल के लेना भीमसेनी कपूर ही चाहिए, वही कपूर लगेगा। तो ये हो गया सारे इंग्रेडिएंट जो माँ लक्ष्मी के पोटली में डलेंगे, जो पूरे साल के लिए आपके जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि शांति वैभव लेकर आएंगे, हर तरह के सुख को लेकर आएंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी इससे इसकी वजह से आपके जीवन में वो जब वो तृप्त होंगी तो आपके घर में रुकी रहेंगी। अब इसको हम प्रॉपर इन सभी चीज़ों को पहले पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, हीलिंग करते हैं, देन जा करके ये लक्ष्मी पोटली में हम इन चीज़ों को रखते हैं। याद रखना जिस समय भी आप लक्ष्मी पोटली को बना रहे हो कम से कम में 24 घंटे का उपवास आपका हो, कम से कम 24 घंटे भी ना सही तो मिनिमम 16 घंटे का उपवास हो। आपके शरीर में खाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी हीलर या जो भी विशेषज्ञ इसको बना रहे हैं, शरीर पूरी तरह से साफ हो अंदर से और बाहर से, अन्यथा आप वो चीज़ नहीं तैयार कर पाएंगे जो आप तैयार करना चाहते हैं। अब आप समझिए कि पूजन कैसे करें। अब माँ लक्ष्मी की हम आरती करेंगे, पूजा करेंगे, सारे सामानों की पूजा करेंगे, पोटली की पूजा करेंगे। तो जो कि वैदिक कर्मकांड है बिल्कुल हम वही करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से ये पूरी प्रक्रिया वैदिक प्रक्रिया है। वेदों में जिस प्रकार इसका वो हुआ है वर्णन है बिल्कुल वैसे ही। तो सब लोग को समझ में आ रहा है बच्चे लोग? हाँ बोलोगे? हमने धूप लगाया, हमने घी का दीपक जलाया, अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम कांस्य की घंटी से एक वाइब्रेशन पैदा करेंगे, साइंस है इसमें, पूरा विज्ञान है। ये पूरे वातावरण को वाइब्रेट कर देता है,
अब ये जितने भी रत्न हैं यहाँ रखे हुए हैं, ये रिसीविंग मोड में है, समझिए इस बात को। अब हम आचमन करते हैं, जो कि वैदिक परंपरा में आचमन का बहुत ज़्यादा महत्व है। पानी से शुद्ध करते हैं, वाटर हीलिंग टेक्निक में भी मैंने ये सब चीज़ सिखाया हुआ है आपको, और 3 बार करते हैं। देन हल्दी, कुमकुम, माँ लक्ष्मी, गणेश जी को और सारे रत्नों को आप ये करेंगे, अक्षत भी, सारे रत्नों को अक्षत आप चढ़ाएंगे। अक्षत और अर्पण करने के बाद आप इनकी आरती करेंगे। आरती करने के समय मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसलिए बैठा था अब तक। ये सारी प्रक्रिया या तो नीचे आसन में बैठ के की जाती है या तो खड़े होकर की जाती है। तो इस तरह से सारे रत्नों की आप आरती करेंगे और माँ लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं। ना आए तो ओम लक्ष ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये मंत्र भी आप बोल सकते हैं। नहीं तो बैकग्राउंड में आप चला लीजिए स्पीकर में मंत्र, और सबसे आखिर में जो होगा माँ लक्ष्मी के भ्राता शंख, ये हम लक्ष्मी पोटली में नहीं डालते। लक्ष्मी पोटली में सारे रत्नों को डालने से पहले एक बार जैसे हम घंटी बजाए थे वैसे ही हम शंखनाद करते हैं, और शंखनाद को करना है। शंखनाद करेंगे आप तो देखो बेटा, मैं तकरीबन पिछले 24 घंटे से उपवास में हूँ, मेरा चेहरा देख के आपको समझ में भी आ रहा होगा, समझ में आता है एक भूखा इंसान कैसा होता है। तो 24 घंटे से मैं व्रत में हूँ, और व्रत की हालत में जब आप खाली पेट, आपका पूरा स्टमक, पूरा सिस्टम जब खाली होता है, क्योंकि 12 घंटे में आपका शरीर खाली हो जाता है और अगले 12 घंटे में आपका शरीर सिर्फ अपने डेड सेल्स को खा रहा है, अपने खराब कोशिकाओं को खा रहा है, आपका पूरा सिस्टम खाली है। उस समय जब आप शंखनाद करते हैं आपका पूरा सिस्टम वाइब्रेट हो जाता है, आप महान हीलिंग पावर से भर जाते हो। तो ये शंख की महिमा है, हर घर में शंख होना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, मैंने नहीं रखता, शंखनाद होना चाहिए, खाली पेट में शंख बजाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को ये ठीक करता है, और इसकी वैदिक महिमा है वो तो अलग। तो समझिए शंखनाद को, शंखनाद कैसे करते हैं, कभी इस पर अच्छे वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा। और गहरा शंखनाद आप करिए, आपके सातों चक्रों में आप ऊर्जा तुरंत महसूस करेंगे, आपका पूरा सहस्त्रार चक्र उस समय आपको वाइब्रेट होता हुआ महसूस करेगा, उस तरंगों को आप महसूस कर पाएंगे, आप एकदम से एक नशे की हालत में पहुंच जाएंगे, एक खुमारी, एक वैदिक हाई जिसको बोलते हैं, उसमें आप पहुंच जाएंगे शंखनाद करते। और जब आप उस हिप्नोटिक स्टेज में होंगे, जब आप उस सम्मोहन की अवस्था में पहुंचेंगे, जब आपको पूरी तरह से माँ लक्ष्मी के इस यंत्रों के इन रत्नों पर आपका पूरा ध्यान होगा और माँ लक्ष्मी की कृपाओं पर आपको ध्यान होगा, और उस समय आप लक्ष्मी पोटली को हाथ में लेकर के अपने सीधे हाथों से एक एक करके इन सारे रत्नों को लक्ष्मी पोटली में डालना शुरू करेंगे।
तो ये आपकी लक्ष्मी पोटली तैयार हुई। लक्ष्मी पोटली से थोड़ी और बड़ी बनेगी जो आप लोगों को दिया जाएगा। ये ऐसा बनाया गया आपको दिखाने के लिए। लक्ष्मी पोटली एक बार बन गया तो समझने वाली बात यह है बेटा कि जिसके नाम से ये लक्ष्मी पोटली बनेगा वो इसके अंदर के सामान को नहीं देखेगा खोल के कभी भी। आप अगर कहीं से भी लक्ष्मी पोटली लेते हो, आपके क्लाइंट लक्ष्मी पोटली या आप हमारी संस्था से लक्ष्मी पोटली ले रहे हो, अपने लिए ले रहे हो, खोल के नहीं देखोगे। किसी और के लिए ले रहे हो खोल के देख सकते हो। आप अपने लिए लिए हो किसी और को बोल सकते हो खोल के देखो इसमें क्या क्या सामान है। जो जो सामान बताया गया वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है चेक करने का मन है तो, अदरवाइज चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो ये लक्ष्मी पोटली तैयार हुआ। अब इसके साथ ये लक्ष्मी पोटली तैयार होने के बाद अगले 11 दिन इसके साथ माँ लक्ष्मी के मंत्र जाप के साथ इसकी हीलिंग होगी। 11 दिन या 16 दिन, 11 दिन या 16 दिन, अगर स्त्री के लिए बन रहा है तो 11 दिन, पुरुष के लिए बन रहा है तो 16 दिन। जिसके नाम से ये लक्ष्मी पोटली बना है उसके लिए 11 दिन या 16 दिन की हीलिंग होगी। ये होगी ही होगी माँ लक्ष्मी के मंत्र के साथ। माँ लक्ष्मी के कई मंत्र होते हैं, बीज मंत्र के साथ भी हीलिंग होती है और रेखी हीलिंग के और कई तरीके होते हैं, जैसे वसुधा सिंबल के साथ भी इसकी हीलिंग होती है। तो 11 दिन या 16 दिन की हीलिंग होती है। अलग अलग हीलर अपनी क्षमता के हिसाब से इसको अलग अलग समय काल में हील करते हैं। तो ये दिवाली से पहले आपके घर में आ जाए तो बहुत उचित है। अगर दिवाली में आपके घर पर नहीं आया तो तुलसी विवाह का एक अगला मौका है जिसमें आप इसको घर में ला के इसका पूजन करके इसको घर में स्थापित कर सकते हैं। घर में स्थापित करने के बाद अगले एक साल के लिए आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। और दो मौके वो होते हैं कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा में भी आप लक्ष्मी बोटली ले करके अपने घर में माँ लक्ष्मी के फोटो के सामने, लक्ष्मी गणेश और सरस्वती माता के फोटो के सामने, लक्ष्मी माता के चरणों में इसको रख करके इसकी ऊर्जा को आप अपने जीवन में ला सकते हो। पूरे घर के लिए भी एक लिया जा सकता है या इंडिविजुअल भी लिया जा सकता है। किसी एक इंसान के नाम से लिया जाए तो उसको ज़्यादा फलता है, घर के लिए लिया जाए तो घर में भी सुख समृद्धि शांति मतलब एक कंबाइंड फॉर्म में आती है। लेकिन किसी एक इंसान के लिए लिया जाए तो उसकी कोई विश है, जिस काम पर वो कर रहा है, जिस काम के लिए आगे बढ़ रहा है फाइनेंशियली, तो उसमें उसको बहुत बरकत मिलती है, सक्सेस मिलता है। तो ये है लक्ष्मी पोटली की महिमा। ये घर में भी रखा जाता है, शॉप में भी रखा जाता है, अपने बिजनेस की जगह में भी रखा जाता है, कहीं भी रख सकते हैं जहाँ भी पूजन स्थल है। तो पूरा तरीका मैंने आपको बताया है बेटा, इसको सीखो, बनाओ और जिसके लिए भी बनाओगे पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से चीज़ों को सही सही खोज के लेकर आना। हर चीज़ का अपना महत्व है क्योंकि जिसके भी जीवन में जाएगा उसके जीवन में बरकत आए, सुख समृद्धि आए, शांति आए, ये उद्देश्य होना चाहिए। जिसके भी इसको पूरे ईमानदारी से, पूरे संयम से चीज़ों को सही सही चुन के, सही से जैसे बताया गया है वैसा लाना है, वैसे ही बनाना है, ताकि आप जिसके भी जीवन में ये जाए आपके द्वारा उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। समझ में आया? जी सर। क्लियर है ना? जी सर। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बेटा। आप लोग मानता हूँ अलग अलग धर्मों से हैं, लेकिन यहाँ पे धन की देवी लक्ष्मी को माना गया है। जैसे कि द गॉडेस हकाटे को भी हम माना करते थे, वैसे ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जो दिवाली में जिनकी पूजा होती है उनका एक बार जयकारा बुलाएंगे आपके मन से। तो चलो, क्योंकि ये लक्ष्मी पोटली उन्हीं के नाम से बन रहा है, तो माँ लक्ष्मी देवी, माँ लक्ष्मी की जय। चलो, पूरे प्रेम से, पूरे निष्ठा से इसको स्वीकार करेंगे। जिसके भी जीवन में आएगा अगले एक साल के लिए उनके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ आप सभी के लिए। नमस्ते है जी। बोलो जी। नमस्ते है जी। नमस्ते।